हेलो दोस्तों, एक बार फिर से लेके आ चुका हूँ मैं आपके लिए डोरेमोन कलेक्शन की वीडियो गाइस। और आज की वीडियो देखने में आपको काफी मजा आएगा गाइस, क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ डोरेमोन स्टेशनरी सेट और एक ऐसी ज्योमेट्री बॉक्स डोरेमोन की जो आज तक आपने कभी भी नहीं देखी होगी। काफी अमेजिंग है, काफी खतरनाक ज्योमेट्री बॉक्स है गाइस, ऑल अराउंड डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्री बॉक्स। तो गाइस बिना स्किप करे पूरी वीडियो एंड तक देखना और मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों कौन सी ज्योमेट्री बॉक्स आपको ज्यादा अच्छी लगी और स्टेशनरी आइटम में सबसे ज्यादा अच्छा गिफ्ट आपको क्या लगा दोस्तों। तो चलो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो अच्छे लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, चैनल को कर देना सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच फैमिली की तरफ से। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और मैं दिखाता हूँ आज का डोरेमोन कलेक्शन गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ डोरेमोन की ये ज्योमेट्री बॉक्स। काफी लंबी ज्योमेट्री बॉक्स है, आप देख सकते हो फ्रंट और बैक में 200 डोरेमोन की फोटो छपी है और विंटर में इंजॉय कर रहे हैं डोरेमोन और विद उसके फ्रेंड्स गाइस। काफी अमेजिंग ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है। और मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि आपने ये ज्योमेट्री बॉक्स नहीं देखी होगी, तो चलो मैं फटाफट दिखा दूं। तो पहले ढक्कन को ओपन करते हैं। तो पहले ढक्कन को ओपन करते कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर चिट मिलती है जो सब कुछ बता रखा है कि ज्योमेट्री बॉक्स कैसे कैसे ओपन होगी और क्या क्या यूज होगी। तो चाइनीज लैंग्वेज में, तो इसे फेंक देते हैं, कोई बात नहीं। देखो दोस्तों हमें यहां मिलता है काफी अमेजिंग और काफी प्यारा कंपार्टमेंट दोस्तों। और इसके अंदर देखो हमें 1 2 3 4 5 पेंसिल लॉक मिल जाते हैं दोस्तों, काफी अमेजिंग काफी सुंदर सा गाइस। और यहाँ में मिल जाता है 2 मैग्नेट जिससे ये पेंसिल का ढक्कन काफी आसानी से खुल सके और काफी आसानी से बंद हो सके गाइस, काफी अमेजिंग है गाइस। और इसे बंद कर देते हैं ढक्कन को। और सबसे खास बात है गाइस ये वाला पार्ट गाइस, तो यहाँ पे एक बटन, इस बटन को इस तरह से स्लाइड करेंगे तो ऑटोमेटिक ये ढक्कन ओपन हो जाएगा। और यहाँ गाइस हमें मिलते हैं 1 2 3 4 5 6 बटन मिलते हैं। 6 बटन का यूज क्या क्या है चलो मैं आपको दिखाता हूं और क्यों है खास ये ज्योमेट्री बॉक्स मैं आपको दिखाता हूं। तो पहले बटन को दबाते ही तो देखो दोस्तों हमें मिलता है यहां एक शॉर्पनर और शॉर्पनर निकल के आता है ऊपर गाइस, दाएं बाएं नहीं है गाइस, देखो होल कहीं पे भी नहीं दिख रहा, ना साइड में ना बगल में। तो ये बटन को दबाएंगे तो शॉर्पनर ऊपर से निकल के आएगा, फिर हम अपने पेंसिल को शार्प कर लेंगे काफी इजी और काफी अच्छी तरह से दोस्तों, काफी सुंदर यार मजा ही आ गया गाइस। चलो बंद कर देते हैं, सेकंड बटन को दबाने के बाद देखते क्या होता है। तो सेकंड बटन को दबाते ये देखो गाइस टेम्परेचर मीटर ओपन हो जाता है दोस्तों। चलो इस तरह से बंद कर देते हैं, फिर अगेन दबाते हैं तो ये देखो दोस्तों काफी अमेजिंग टेम्परेचर मीटर निकल के आता है, काफी सुंदर सा एक टेम्परेचर मीटर निकलता है सेकंड बटन को दबाने के बाद। चलो तीसरे बटन को दबाते हैं, तो तीसरे बटन को दबाने के बाद देखते हैं क्या होता है दोस्तों। ये देखो दोस्तों तीसरे बटन को दबाया, अभी दिखाता हूं दोस्तों। ये देखो तीसरे बटन को दबाया तो ये देखो दोस्तों यहां निकलता है एक कंपार्टमेंट जो काफी अमेजिंग और काफी प्यारा है। और इसके अंदर कुछ भी हम अपना स्टडी मटेरियल रख सकते हैं, लाइक पेंसिल पेन या हमारे रूलर्स जो भी होते हैं, रूल्स हमारे पास कंपास या कुछ भी स्केल होते हैं वो भी रख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर। चलो इसे बंद कर देते हैं दोस्तों, अगेन मैं दबाता हूँ बटन को और फिर दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखो कितना अमेजिंग कितना प्यारा कंपार्टमेंट निकलता है दोस्तों इसके अंदर से। चलो इसे बंद कर देते हैं, अब चौथे बटन को दबाते हैं। तो चौथे बटन को दबाने पर देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो चौथे बटन को दबा दिया तो ये देखो दोस्तों यहाँ निकलता हमें एक मैग्नीफाई ग्लास मिलता है दोस्तों, काफी अमेजिंग और काफी प्यारा यार, काफी यूनिक। और अभी तक किसी भी ज्योमेट्री बॉक्स में मैग्नीफाई ग्लास नहीं मिलता है दोस्तों, हमें चौथे बटन को दबाते मैग्नीफाई ग्लास मिला है दोस्तों। ऑफ कर देते हैं हम, दबाते पांचवें बटन को और पांचवें बटन को दबाते ये देखो दोस्तों क्या होता है। ये देखो पांचवें बटन को दबाते हैं अगेन और मैं दिखाता हूँ क्या होता है। तो पांचवें बटन को दबाते ये देखो दोस्तों ये हो जाता है ओपन और काफी अमेजिंग और काफी प्यारा कंपार्टमेंट ऊपर निकल जाता है, जो फ्रंट में हमारा कंपार्टमेंट था काफी प्यारा। अब दबाते छठे बटन को, छठे बटन को देखो दोस्तों दबाते ये वाला कंपार्टमेंट निकलता है, देखो दोस्तों कितना अमेजिंग कितना सुंदर। और इसके अंदर हम अपना इरेजर रख सकते हैं दोस्तों, काफी सुंदर सा कंपार्टमेंट निकलता है। तो सारे बटन को अगेन मैं दबा के दिखा देता हूं दोस्तों तो क्या क्या होता है सारे बटन को दबाने के बाद। तो देखो दोस्तों सारे बटन को दबाने के बाद कुछ इस तरह से लुक दिखती है ज्योमेट्री बॉक्स की। ये देखो तो कैसी लगी ये ज्योमेट्री बॉक्स प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। अब इसके प्राइस की बात कर लेते हैं तो दोस्तों इसे मैंने परचेज किया केवल 150 रुपए का ऑफलाइन मार्केट से दोस्तों। ये देखो
150 में है ना, काफी खतरनाक और काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स। तो चलो इसे साइड रखते हैं। तो ये ज्योमेट्री बॉक्स तो मैंने दिखा दी, पहली ज्योमेट्री बॉक्स अब दिखाता हूँ गाइस आपको मैं, ये डोरेमोन का स्टेशनरी सेट गाइस। और इसके प्राइस की बात कर ले तो इसे मैंने परचेज किया 350 रुपए का ऑफलाइन मार्केट से। चलो बॉक्स से निकालता हूँ और दिखाता हूँ ये स्टेशनरी सेट कैसा है। और इस स्टेशनरी सेट को कैरी करने के लिए एक हैंडल दिया है जिससे हम बहुत ही इजी से कैरी कर सकते हैं दोस्तों इस स्टेशनरी सेट को। चलो निकालते हैं बॉक्स और सारी चीजें दिखाता हूँ, कंटेंट दिखाता हूँ और क्वालिटी दिखाता हूँ दोस्तों। तो ये स्टेशनरी सेट क्यों है अमेजिंग और क्यों है इतनी महंगी दोस्तों, तो मैं आपको दिखा दूँ। जो सबसे अच्छी बात है दोस्तों, इसके अंदर हमें मिलता है काफी प्यारा और काफी सुंदर सा एक ये क्या है दोस्तों, इसके अंदर शॉर्पनर। ये देखो दोस्तों, इसका जो शॉर्पनर है ना वो काफी अमेजिंग है और काफी खतरनाक है दोस्तों। काफी बड़ा शॉर्पनर है और इतना बड़ा शॉर्पनर दोस्तों किसी भी स्टेशनरी सेट में नहीं आता, बस हमारे डोरेमोन स्टेशनरी सेट में आता है दोस्तों। और इसके अंदर हमें मिलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कंटेंट मिलते हैं, जिसमें एक कंटेंट ये शॉर्पनर है, काफी अमेजिंग और काफी बड़ा शॉर्पनर है, डोरेमोन का शॉर्पनर है। इसके अंदर हम अपनी पेंसिल घुसाएंगे, फिर पेंसिल को शार्प करेंगे जूस की मशीन की तरह दोस्तों। ये देखो काफी अमेजिंग है। और इसके अंदर हमें मिलता है एक ट्रे, जब हम पेंसिल को शार्प करेंगे तो सारा कूड़ा इस वाली ट्रे में आ जाएगा, जब ये भर जाएगा तो इसे फेंक देंगे दोस्तों। देख सकते हो कितना अमेजिंग और कितना प्यारा ये डोरेमोन का शार्पनर है जूस वाला दोस्तों, और भारी भी काफी ज्यादा। तो ये शॉर्पनर कैसा लगा प्लीज दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताना। साइड रखते हैं, सेकंड चीज दिखाता हूँ। तो सेकंड मिलते हैं इसमें काफी प्यारी से पेपर कट सीजर मिलता है दोस्तों, काफी सुंदर और काफी अच्छी क्वालिटी का। आगे मैं पेपर कट करके दिखाऊंगा, तो ये पेपर उठा लेते हैं दोस्तों और इसे कट करते हैं। देखो दोस्तों कितने ईजी और कितने आसानी से पेपर कट हो जाएगा दोस्तों, ये देखो है ना, ये देखो और भी कट करके दिखाता हूँ। तो कितने आसानी से कट हो गया, क्वालिटी काफी अमेजिंग, काफी सुंदर क्वालिटी की गई हमें सीजर मिल जाती है दोस्तों इसे। सेकंड चीज, अब थर्ड चीज दिखाता हूँ दोस्तों इसके अंदर क्या मिलती है। तो थर्ड है गाइस, ये देखो दोस्तों इसके अंदर की ये दो पेंसिल गाइस, ये देखो डोरेमोन की पेंसिल मिल जाती है, क्वालिटी देख सकते हो दोस्तों कितनी अमेजिंग है। और दोनों पेंसिल के ऊपर सेम डोरेमोन की पिक्चर छपी हुई है जो काफी अमेजिंग बनाती है इस पेंसिल को। पेंसिल भी काफी लंबी लंबी पेंसिल मिल जाती है दोस्तों इस स्टेशनरी सेट में, क्वालिटी भी जबरदस्त है यार, मजा ही आ गया दोस्तों। इससे साइड रखते हैं, अब दिखाता हूँ दोस्तों हमें क्या मिलता है। इसके अंदर हमें मिलता है एक रूलर जो है 15 सेंटीमीटर का, और इसके ऊपर भी डोरेमोन की फोटो छपी हुई है, रूलर देख सकते हो। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी भी काफी जबरदस्त है और काफी फ्लेक्सिबल है ये रूलर गाइस, ताकि ये अगर फ्लेक्सिबल ना होगा तो ये टूट जाएगा, तो इसलिए फ्लेक्सिबल है जिससे ये आसानी से टूटे ना। तो काफी अच्छी क्वालिटी का रूलर मिल जाता है दोस्तों। और हमें मिलता है दोस्तों इसके अंदर काफी प्यारा सा एक इरेजर, यार इरेजर काफी छोटी सी है अकॉर्डिंग टू शॉर्पनर, शॉर्पनर आप देख सकते हो कितना बड़ा शॉर्पनर मिला था दोस्तों हमें। और ये देखो दोस्तों ये एक इरेजर मिल जाता है डोरेमोन का। और हमें मिलते हैं इसके अंदर दो पेंसिल कैप गाइस, आप देख सकते हो पेंसिल कैप मिल जाते हैं, ये देखो एक और ये दो पेंसिल कैप मिल जाते हैं। जब हम पेंसिल को शार्प कर लेते हैं और हम बैग में रखते हैं तो पेंसिल टूट जाती है, नोक टूट जाती है, इसीलिए हमें पेंसिल कैप मिल जाती है दोस्तों इस स्टेशनरी सेट के अंदर। तो इसे साइड रखते हैं। और हमें मिलता है एक बहुत ही छोटी और बहुत ही प्यारी सी एक डोरेमोन की डायरी गाइस, ये देखो कितने अच्छे पेजेस और कितने सारे पेजेस है, फ्रंट में भी डोरेमोन की पिक्चर्स छपी है, बैक साइड में भी डोरेमोन की पिक्चर्स छपी हैं दोस्तों, काफी अमेजिंग काफी सुंदर डायरी मिल जाती है दोस्तों। इसे साइड रखते हैं। अब मिलते हैं हमें इसके अंदर काफी प्यारी सी ये क्या कहते हैं ज्योमेट्री बॉक्स, और इसके ऊपर देखो डोरेमोन स्टैंड बाय मी लिखा है, तो काफी अमेजिंग पिक्चर है, केवल हाफ फेस बना हुआ है डोरेमोन का गाइस इस ज्योमेट्री बॉक्स पे। बैक साइड की बात करें, बैक साइड हमें टेबल देखने को मिल जाती है, अल्फाबेट देखने को मिल जाते हैं और डोरेमोन की पिक्चर्स मिल जाती है। अब ओपन करते हैं और अंदर का स्पेस देखते हैं, तो अंदर देखो दोस्तों बिल्कुल वाइट है और स्पेस देखो दोस्तों कितना सारा स्पेस है इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर, काफी सुंदर और काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है। और ये स्टेशनरी सेट हो गई खाली, और ये देखते हैं क्या क्या हमारे इस ये इसमें ज्योमेट्री बॉक्स में आ जाती है। तो स्केल रख दिया, ये रेजर भी रख दी, ये देखो सीजर भी आ गया हमारा, और ये पेंसिल भी आ गई है दोस्तों, ये देखो पेंसिल भी आ गई इसके अंदर बहुत ही इजी से बहुत ही आसानी से, और देखो ये सारी चीज़ आ गई बस। और हमारी डायरी भी देखते हैं आती है नहीं आती, डायरी नहीं आएगी और हमारा ये शार्पनर नहीं आएगा, बाकी सारी चीज़ आ चुकी है हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में। तो ये थी गाइस स्टेशनरी सेट डोरेमोन की, चलो इसे दिखा दी मैंने, कमेंट करके जरूर बताना सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आपको और ये स्टेशनरी सेट कैसा लगा ये भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। चलो इसे साइड रखते हैं, तीसरी ज्योमेट्री बॉक्स दिखाता हूँ, तीसरी भी काफ़ी अमेजिंग काफ़ी सुंदर है, देखो डोरेमोन की फोटोज छपी है, उसकी फैमिली की फोटोज छपी है, ये
देखो डोरेमी की फोटो छपी है काफी अमेजिंग। फ्रंट बैक साइड में भी 3D लुक में डोरेमोन की फोटो छपी है, लुक दोस्तों देख सकते हो 3D लुक में काफी अमेजिंग काफी सुंदर है। और इस ज्वेलरी बॉक्स में हमें मिलते हैं दो दो शॉर्पनर दोस्तों, देख सकते हो एक छोटा शॉर्पनर एक बड़ा शॉर्पनर मिल जाता है। छोटा शॉर्पनर मिलता है हमें कलर पेंसिल को शार्प करने के लिए, बड़ा शॉर्पनर मिलता है हमें पेंसिल को शार्प करने के लिए। देखो दोस्तों कितना अमेजिंग है, इस बटन को दबाते ही ये ढक्कन ओपन होगा, तो ये देखो इस तरह से ओपन होगा। अब बात करते हैं अंदर के, तो ढक्कन ओपन करते हैं, तो ढक्कन ओपन करते ही कुछ हमें यहाँ मिल जाता है एक मैग्नेट काफी अच्छा, जिससे ये ढक्कन बहुत ही इजी से चिपक सके। और हमें मिलता है 1 2 3 4 5 पेंसिल लॉक मिल जाते हैं दोस्तों, काफी अमेजिंग है। ये लॉक स्टैंड नहीं है, ये लॉक है केवल इसमें, और काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में भी दोस्तों काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। और बैक साइड में ये देखो दोस्तों टेबल देखने को मिल जाती है दोस्तों, बैक साइड वाले कंपार्टमेंट में हमें टेबल देखने को मिल जाती है, काफी अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स है। इसकी प्राइस की बात करें तो केवल मैंने 70 रुपीज की परचेज करी ऑफलाइन मार्केट से दोस्तों, इसे साइड रखते हैं। अब मैं दिखाता हूँ, ये देखो दोस्तों ये डोरेमोन बना हुआ है, बट ये डोरेमोन नहीं है, ये है डोरेमोन का एक शॉर्पनर दोस्तों, काफी प्यारा सा काफी अमेजिंग सा शॉर्पनर है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो दोस्तों कितना अमेजिंग और कितना प्यारा सा शॉर्पनर है डोरेमोन का। और इसे बंद कर देंगे और फिर पेंसिल को शार्प करेंगे दोस्तों, और किसी को पता भी नहीं चलेगा हमारे पास ये शॉर्पनर है दोस्तों, ये काफी अमेजिंग सा है। और इसे परचेज किया केवल 10 रुपए का परचेज किया है शॉर्पनर को, डोरेमोन शॉर्पनर को, चलिए इसे साइड रखते हैं। अब दिखाता हूँ, ये 20 रुपए का पेन खरीदा है दोस्तों हमने, और ये देखो दोस्तों, और ये है कितने 1 2 3 अरे ये टूट कैसे गया भाई, ये टूट गया, ये कैसे टूट गया भाई, 3 4 5 6 कलर पेन मिल जाते हैं दोस्तों, काफी अमेजिंग डोरेमोन की पिक्चर छपी हुई है। चलो एक पर्पल कलर का पेन चला के देखते हैं दोस्तों, ये देखो अरे चल जा भाई, तो ये टूट गया शायद, इसी वजह से ऐसी दिक्कत आ रही है मेरे ख्याल से, कोई बात नहीं इसे साइड रख देते, छोड़ देते इसे। नेक्स्ट पेंसिल बॉक्स दिखाता हूँ, तो नेक्स्ट हमारे पास काफी प्यारी सी नेविगेशन प्लस LED लाइट ज्योमेट्री बॉक्स है गाइस ये, और इसे ओपन करके दिखाता हूँ। और इसमें देखो दोस्तों हमें नेविगेशन मिल जाती है, दो दो शॉर्पनर मिल जाते हैं दोस्तों, देख सकते हो ये दो दो शॉर्पनर मिल गए हमें, और नेविगेशन भी मिल जाता है। अब ढक्कन को ओपन करते हैं, इसके अंदर देखो दोस्तों हमें मिलते हैं एक LED लाइट, और हमें मिलते हैं दोस्तों पेंसिल लॉक गाइस, जिसमें हम अपने पेंसिल को लॉक करके रख सकते हैं दोस्तों, और LED लाइट मिलती है दोस्तों। जब हम लाइट चली जाएगी तो दोस्तों हम इस LED लाइट से स्टडी कर सकते हैं, अपना होमवर्क कर सकते हैं। तो इसमें डालेंगे हम अपना सेल, फिर लाइट को ऑन कर देंगे तो लाइट जल जाएगी, काफी अच्छी क्वालिटी की लाइट मिल जाती है, और चारों तरफ ये मूव भी हो जाता है दोस्तों LED लाइट। ये देखो कितना फ्लेक्सिबल है LED लाइट दोस्तों, इसे बंद कर देते हैं। बैक साइड की बात करें दोस्तों, बैक साइड में भी दोस्तों ये देखो दोस्तों काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। अब इसके प्राइस की बात करें दोस्तों, तो इसे मैंने परचेज किया केवल 120 रुपीज का ऑफलाइन मार्केट से, इसे बोलते हैं नेविगेशन प्लस LED लाइट ज्योमेट्री बॉक्स गाइस, तो काफी अमेजिंग है दोस्तों। अब दिखाता हूँ गाइस नेक्स्ट ज्योमेट्री बॉक्स, ये है गाइस स्टेशनरी 3D बस ज्योमेट्री बॉक्स गाइस, इसमें स्टेशनरी आइटम मिलते हैं गाइस, डोरेमोन की बस है, काफी अमेजिंग। बैक साइड में हमें व्हाइट बोर्ड मिल जाता है दोस्तों, और अंदर हमें स्टेशनरी आइटम मिल जाती है। और इसके अंदर देखो अरे शॉर्पनर और रबड़, अरे यार मेरे पर्सनल रूम में रह गई ये, मैं देख रहा था ना कैसी क्वालिटी की है, मेरे रूम में रह गई अब यार चल बेकार। तो इसमें हमें मिलती है ये देखो पेंसिल, देखो दोस्तों कितनी अमेजिंग कितनी सुंदर पेंसिल मिलती है, डोरेमोन की पिक्चर छपी है, काफी अच्छे अच्छे पिक्चर छपी है दोस्तों, और लंबाई देखो दोस्तों पेंसिल की कितनी लंबी है दोस्तों। इसमें मिलती है पेंसिल, हमें मिलता है काफी प्यारा सा ये देखो स्केच पेन, और मिलता है दोस्तों हमें ये देखो कितना सुंदर सा एक 15 सेंटीमीटर का रूलर, जिसपे डोरेमोन की फोटो छपी है, पेंसिल पे भी सेम डोरेमोन की फोटो छपी हुई है दोस्तों। और हमें मिलता है ये एक स्केच पेन, और जिसे हम अपना ये व्हाइट मार्कर पे वर्क कर सकते हैं दोस्तों, जैसे VVK लिख दिया फन हमने, और ये काम हो गया हमारा। और यहाँ हमें डस्ट तो मिल ही रहा है, और इसे मिटा देंगे दोस्तों हम अच्छी तरह से देखो। और हमें मिलता है स्ट्रे, एक ट्रे जिसपे टेबल लिखी है और डोरेमोन के पिक्चर छपी है, और इस टेबल के ट्रे को हटाएंगे दोस्तों तो अंदर काफी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है दोस्तों, काफी अमेजिंग है काफी सुंदर है दोस्तों ये स्टेशनरी सेट वाली ज्योमेट्री बॉक्स, साइड रखते हैं। अब मैं दिखाता हूँ डोरेमोन की जम्बो ज्योमेट्री बॉक्स गाइस, तो ये आपने पहले भी देख ली थी, फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमें मिल जाती है क्लास और नेम
की टिकट मिल जाती है, बैक साइड में हमें मिल जाती है डोर मन की पिक्चर्स, गाइस फ्रंट में भी पिक्चर्स मिल जाती है, बाकी चार बटन मिलते हैं फ्रंट में दोस्तों हमें। चलो इन चारों बटन का यूज दिखा देता हूं। तो पहले बटन को दबाए तो ये देखो शॉर्पनर निकलता है, सेकंड बटन को दबाए तो ये ट्रे निकलती है देखो, और कितना ये देखो स्मूथ है, सारे ढक्कन कितने स्मूथ है देखो, इस तरह का इंटरफेस दिखता है फ्रंट में। ढक्कन ऊपर करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है अंदर से। यहाँ हमें एक पॉकेट मिल जाती है जिसमें टाइम टेबल लिखते हैं दोस्तों, और इसमें हमें मिलता है 1 2 3 4 5 पेन से लॉक मिल जाते हैं दोस्तों। फटाफट इसलिए बता रहा हूँ, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी दोस्तों। और यहाँ हमें मिल जाता है एक पेन स्टैंड, गाइस 3 पेंसिल लॉक स्टैंड मिल जाता है दोस्तों। और यहाँ मिलता है हमें एक हिडन कंपार्टमेंट जिसमें हम अपने मनी रख सकते हैं दोस्तों। यहाँ मिलता है एक बटन जिसे दबाते ये इस तरह का कंपार्टमेंट निकल के आता है दोस्तों। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है सारी ज्योमेट्री बॉक्स खोलने के बाद। और बैक साइड की बात कर रहे हैं तो बैक साइड में हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। एक कंपार्टमेंट मिलता है जिसमें 2 पार्टीशन, एक छोटा कंपार्टमेंट एक बड़ा कंपार्टमेंट मिलता है दोस्तों। तो इस ज्योमेट्री बॉक्स की 200 रुपये की परचेज करिए। बाकी इन दोनों ज्योमेट्री बॉक्स को आपको मैंने पहले भी दिखा दी थी, ये भी बुक सेल ज्योमेट्री बॉक्स आपने पहले भी देख ली थी, और ये वाली भी ज्योमेट्री बॉक्स पहले भी देख ली थी। और अच्छे लगे तो कर देना वीडियो को लाइक। अगर किसी भी स्नैक्स की या किसी भी टॉय कलेक्शन की वीडियो देखनी है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वीडियो साथ, जब तक बाय बाय दोस्तों।